हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, आज सुबह से मेरे को मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि लगातार अगर हम किसी को रिस्पांस देंगे तो हो सकता है कि इसका जवाब ना मिल पाए, लेकिन अगर हम एक छोटी सी क्लिप बना देंगे तो सारे लोगों को, जो हमारे मोस्ट व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो ट्रस्ट करते हैं हमारी अपडेट पे, उनके लिए कुछ यूज़फुल अपडेट दे सकें, ठीक है? और वो जो अपडेट है वो हमारी ICA और GDRF अप्रूवल से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मिथ ऐसे थे कि 31 दिसंबर से कुछ रूल्स चेंज आएंगे, उनकी अपडेट्स क्या होंगी। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? अच्छा, अभी हम बात करेंगे ICA से रिलेटेड, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ICA में आ रही थी। लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में स्टक थे। उनको अप्रूवल ना मिलने के कारण वो अपनी जॉब पे वापस नहीं आ पा रहे थे। तो वैसे इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी हो चुकी है, लोगों की बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हैं और अभी भी वो इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो अब हम आज बात ये करने वाले हैं कि जैसे क्वेश्चंस लोगों के आ रहे हैं कि आज 31 है, क्या कोई अपडेट्स नहीं आई है, क्या कोई अपडेट्स ऐसी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया से एयर अरबिया से बहुत सारे लोग आए हैं, मैंने विद प्रूफ वीडियो भी बनाए हैं, उनके बोर्डिंग कार्ड भी शो करे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान से अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक भाई साहब आए थे, उनका मैंने बनाया था, और वो जो है PIS से उन्होंने ट्रेवल किया था। तो एयर अरबिया से भी लोग आए हैं पाकिस्तान से, और इंडिया से एयर अरबिया से मैक्स टू मैक्स आए हैं। बाकियों का खैर मेरे पास अपडेट नहीं आई, लेकिन एयर अरबिया से लोग आए हुए हैं जो अपनी तरफ से खुद बता रहे हैं कि मैं आया हूँ, ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ। तो आज अभी तक, जैसे कि आपको पता है, आज 31 दिसंबर है, जितने भी वीज़ा पहले के थे, यानी कि ये हो रहा था कि 31 दिसंबर तक आप जा सकते हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर है लेकिन एक्टिव है वो जा सकते हैं, लेकिन अभी तक यूई गवर्नमेंट ने कोई ऐसी अपडेट नहीं डाली है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, सबसे पहले हम अपडेट करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है? जैसे तक जो अभी तक नहीं आए हैं, जो अभी वहीं हैं, जो वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट और करें आज और कल का। हो सकता है कल वो अनाउंस करें या परसों अनाउंस करें, या बाद में करें, या क्या चेंज करते हैं, अभी तक किसी को पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, अपडेट आपको मिल जाएगी। अभी तक लोग एयर अरबिया से आ रहे थे, और जो आज लोग आ जाएंगे, जिनका 31 दिसंबर तक था वीज़ा, वो अगर आज ट्रैवल कर जाएंगे तो कोई इशू नहीं। अगर ट्रैवल वो यहाँ पे रीच कर जाते हैं सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से स्टे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और बस उनको जो कोविड का टेस्ट है, ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी होगी। मैंने इससे पहले वीडियो बनाए हैं कोविड से रिलेटेड, कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो जाके वो देख सकते हैं, ठीक है जी? तो ये छोटी सी अपडेट थी कि अभी तक ऐसी कोई अपडेट्स नहीं है। जैसे कोई अपडेट आती है, सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। और अभी आप लोग बस ये रिक्वेस्ट है कि आज अगर जिन जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो कर लें, अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया वो रुक जाएँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा रुक जाएँ, क्योंकि आप अभी तक तो आपने कराया नहीं, तो अब थोड़ा सा और रुक जाइए कोई अपडेट ना आने तक की। कोई अपडेट आ जाए उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है? जैसे जैसे अपडेट आती है आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ये छोटी सी वीडियो क्लिप थी आप लोग के साथ, अपडेट करनी थी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।